शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की, जिसमें हम सीखने वाले हैं कक्षा तीसरी इंग्लिश का आवधिक आकलन, जो हमें आवधिक आकलन 10 जो हमें यहाँ पर पेज नंबर 279-279 पर प्राप्त होगा। यह हमारा ट्रैकर रहेगा और यहाँ पर कुछ ट्रैकर इस प्रकार बना हुआ है। और यदि हम इस ट्रैकर के लिए पेपर को सॉल्व करना है बच्चों को, तो वह हमें बच्चों की वर्कबुक इंग्लिश कक्षा 3 में पेज नंबर 227 पर हमें प्राप्त होंगे। यहाँ से हमारे तीनों ट्रैकर चालू हैं पेज नंबर 226 से। तो यहाँ पर पहला आवधिक आकलन असाइनमेंट शीट वर्कशीट 10, आवधिक आकलन मौखिक सप्ताह 10 हमें यहाँ पर मिलेगा, जो पेज नंबर 227 पर रहेगा। इसमें पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर बच्चों को नाम बताना है कि उनका नाम क्या है, तो वह यहाँ पर कुछ मौखिक उत्तर दे रहे होंगे, माय नेम इज, और जो भी उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसी पुस्तक में पेज रेडनेस सप्ताह 38 वर्कशीट भी देख सकते हैं, या फिर ग्रीटिंग वर्ड के लिए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ग्रीटिंग वर्ड बच्चों से बुलवाए। अगर बच्चे यहाँ पर इस प्रकार के ग्रीटिंग वर्ड थैंक यू, सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो उनका यहाँ पर आंसर सही रहेगा। इसमें से वह 1-2 जितने प्रयोग करें, यह बच्चों के ऊपर निर्भर करेगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर ए के बाद में बी वाला, व्हेन डू वी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग हम कब कहते हैं, गुड इवनिंग कब बोलते हैं, और गुड नाइट कब बोलते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग के समय गुड मॉर्निंग बोला जाता है, इवनिंग के समय गुड इवनिंग, जो कि समय भी यहाँ पर फिक्स रहता है कि 5 बजे बाद। इसी प्रकार गुड नाइट नाइट में बोला जाता है। अब हमने यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ट्रैकर में किस प्रकार करना है वह हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जब हम दूसरे डिब्बे में रहेंगे ECL 6.3 टॉक अबाउट इस फेवरेट स्टोरी बुक कैरेक्टर, स्वयं की पसंद नापसंद बता पाते हैं, दूसरों की नापसंद पता कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है ओ का मतलब होगा ओरल 1, यानी कि मौखिक मौखिक प्रश्न पहला, प्रश्न क्रमांक पहला वह हमें इस डिब्बे में पूर्ति करना है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि W11 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि रिटन का क्वेश्चन नंबर 11 और ओरल का पहला। तो मौखिक प्रश्न 1 और यहाँ पर लिखित प्रश्न 11, इन दोनों का सामूहिक उत्तर हमें यहाँ पर देना है। तो 2 प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर रहेंगे बॉक्स नंबर 2 में। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम देख चुके हैं, व्हाट इज योर नेम, और दूसरा क्वेश्चन रिटन लिखित का हमें 11वां प्रश्न देखना है। तो यह हमें पेज नंबर 231 पर मिलेगा। यहाँ पर दिया गया 11 प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर हमें 4 वर्ड दिए गए हैं, मंकी, लाइक, ग्रास और एम इन। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 क्वेश्चन और पहला है आई एम ए और यहाँ पर खालिस्तान। इसी प्रकार आई खालिस्तान और यहाँ पर बनाना। तो बनाना यहाँ पर किसे पसंद है, तो यहाँ मंकी को पसंद है, इसलिए आई एम ए मंकी, और यहाँ पर रहेगा आई लाइक बनाना। इसी प्रकार दूसरा आई ए काउ, तो यहाँ पर रहेगा एम, क्योंकि यहाँ पर आई एम आया था, आई एम ए काउ, और ग्रास बचा हुआ है आई लाइक ग्रास। इस प्रकार इसकी पूर्ति करने पर हमें बॉक्स नंबर 1 में कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या नहीं कर पाता है, कर पाता है, स्वयं कर पाता है रहेगा। यदि दोनों प्रश्न हल करते हैं तो यहाँ पर हमें टिक लगाना है। यदि हमने इस प्रश्न में थोड़ा बहुत सहयोग किया है तो फिर हमें यहाँ पर सहयोग से कर पाता है। और यदि यह प्रश्न भी नहीं किया गया और इसी के साथ में जो पहला प्रश्न था व्हाट इज योर नेम उसका आंसर भी नहीं दे पाया, तो हमें यहाँ पर नहीं कर पाता है, हमें केवल एक राइट का निशान लगाना है। सामने यहाँ बच्चों के नाम और पिता का नाम लिखना है। क्योंकि पहला प्रश्न हमें दूसरे बॉक्स से मिला था, इसलिए हमने सबसे पहले दूसरा बॉक्स हल किया। हम चाहें तो पहला बॉक्स से भी यहाँ पहले हल कर सकते हैं। पहले बॉक्स के लिए यहाँ पर ओरल के दूसरा और चौथा, तो हम यहाँ पर याद रखें कि जहाँ पर भी मौखिक रहे
वहां पर हमें ओरल के पूछना है, तो यहाँ पर ओरल का दूसरा और चौथा प्रश्न हमें पूछना है, क्योंकि हमने दूसरा प्रश्न भी समझा था व्हाट इज ग्रीटिंग वर्ड और व्हेन डू से। अब यहाँ पर चौथा देखते हैं, नेम सम ऑब्जेक्ट विच यू हैव इन योर स्कूल बैग एनी थ्री। यहाँ पूछा गया है कि आपके बैग में जो सामान रहते हैं उनमें से कोई तीन के नाम आपको बताना है, तो यह बच्चों को बताने हैं। तो यहाँ पर बच्चे कुछ इस प्रकार, यहाँ 10 सामान दिए गए हैं, इनमें से या इसके अलावा भी उनके बैग में जो सामान रहते हैं उनको वह बता सकते हैं। इस प्रकार दूसरा और चौथा तो हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आती हैं W 6 9 और 13। रिटन क्वेश्चन नंबर है 6 9 और 13 था। अब हम देखते हैं रिटन क्वेश्चन 6 जो हमें अगले पेज पर मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है W, यहाँ से सारे लिखित रिटन क्वेश्चन चले हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 क्वेश्चन हमें मिलेगा सबसे लास्ट में। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। 229 पर बताया गया है कि हमें खाली स्थान की पूर्ति कुछ यहाँ पर ब्रैकेट्स में शब्द दिए गए हैं उनके द्वारा करनी है। जैसे पहला, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाए, हेलो आई राहुल, तो यहाँ पर इज आएगा या एम, तो यहाँ हमें देखना है कि इज और एम के यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर रहेगा हेलो आई एम राहुल। इसी प्रकार आई एम सविता, हेलो और बाई में से क्या आएगा, तो चूंकि हम पहला वाक्य देख सकते हैं हेलो है, तो इसलिए दूसरे वाक्य में भी यहाँ पर हेलो आएगा। अब हम देखते हैं इसी का नौवां सवाल। तो नौवें प्रश्न में हमसे यहाँ पर रीअरेंज द लेटर एंड राइट द करेक्ट नेम। वर्ण को सही क्रम में जमा कर शब्द बनाए, तो पहला यहाँ दिया गया है एल ए बी एल, तो इसका सही हमारा बनेगा बी ए डबल एल बॉल, बॉल मिस गेंद, और दूसरा यहाँ पर दिया है एल आई एन पी ई सी, तो ये सही बनेगा हमारा पी ई एन सी आई एल पेंसिल। तो 6-9 देखने के बाद अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, यह हमें मिलेगा पेज नंबर 232 पर। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है राइट द नेम ऑफ एनी 5 थिंग्स विच यू हैव इन यूअर स्कूल बैग। कोई 5 वस्तुओं का नाम लिखे जो आपके स्कूल बैग में है, तो यह भी हम जो मौखिक में हमने देखा था वही यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्कूल बैग में ये वस्तुएं या इनके अलावा कुछ और भी अन्य वस्तुएं उनके बैग में जो भी होगी वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर 5 कॉलम खाली दिए गए। इस प्रकार 5 प्रश्न हमने देखे, 5 में हमें यहाँ देखना है कि 30% से कम यदि प्रश्न करते हैं 5 तो नहीं कर पाता, 30 से 80% और प्लस सहयोग से कर पाते हैं तो यहाँ टिक लगाना है, और अगर स्वयं सभी प्रश्न हल करते हैं 5 प्रश्न तो यहाँ पर स्वयं कर पाता हमें टिक लगाना है। अगला, पहला और दूसरा कॉलम कंप्लीट होने के बाद देखते हैं हम तीसरा कॉलम। यहाँ पर हमें केवल W 12 और 15 दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं रिटर्न के। तो अब हम देखते हैं बच्चों की अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 232 पर 12 प्रश्न। अपनी पसंद के कोई एक फल का चित्र बना और उसका नाम यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर बच्चे अपनी पसंद से बनाना, एप्पल, सेव फल, केला या अन्य कोई फल का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं और नीचे उसका नाम इंग्लिश में लिखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, वाक्यों को पूर्ण करें और यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिया गया है कि यहाँ पर क्या लिखना है, तो हेलो आई एम और यहाँ पर लिखना है यूअर नेम, तो बच्चों को यहाँ पर अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, नाम का पहला अक्षर कैपिटल रख सकते हैं। दूसरा आई एम बॉय या गर्ल, तो बच्चे यहाँ पर बॉय होगा तो बॉय लिखना है, लड़का गर्ल होगा तो यहाँ पर लड़की, और ये दोनों इंग्लिश में ही यहाँ पर पूर्ति करनी है। यदि दोनों पूर्ति करते हैं तो कॉलम नंबर 3 के अनुसार स्वयं कर पाता है, आपने सहयोग किया है तो सहयोग से 80% बच्चा स्वयं करे, और बाकी अगर हम सहयोग करते हैं तो वह सहयोग से, और अगर 30% से कम या बिल्कुल नहीं करने की स्थिति में नहीं कर पाता वाले डिब्बे में हमें केवल राइट का चिन्ह लगाना है। 1 2 3 3 कॉलम कंप्लीट होने के बाद चौथा कॉलम हम देखेंगे ओरल का तीसरा और 5वां क्वेश्चन। तो हम यहीं पर देखते हैं इस कॉलम के जस्ट बाद वो ओरल का तीसरा क्वेश्चन, रीड द वर्ड एनी 3। तो यहाँ पर बच्चों से हमें कोई से भी 3 वर्ड पढ़ाना है जिसमें पहला बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, भोला, बाला और बॉल।
यहाँ पर इतने सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें से एनी थ्री, कोई तीन अगर यहाँ बच्चा पढ़ता है तो उसके सभी सही माने जाएंगे। इसके बाद अगला कॉलम के अनुसार पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा यहाँ पर दिया गया है, ज्वाइन द वर्ड एंड रीड द सेंटेंस अलाउड एनी टू। यहाँ पर जो हमें ये क्रम दिया गया है इसमें इस वाक्यांश को इन शब्दों से जोड़ करके जोर से इन वाक्यों को बोलना और एनी टू कोई दो। यहाँ बच्चे दो शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो उन्हें सरल लगे वो बोल सकते हैं। दिस इज माई कार, इसी प्रकार दिस इज माई बुक, दिस इज माई बेट, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई बैग, इनमें से कोई दो वाक्य उनको बोलना है। क्वेश्चन नंबर तीन और पांच कंप्लीट होने के बाद देखते हैं हम डब्ल्यू एट। तो ब्रिटेन का आठवां क्वेश्चन हमें मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर 230 पर। यह दिया गया है वाक्यों को चित्र से मिलावे, मैच द सेंटेंस विद द पिक्चर। पहला है दिस इज माई बुक और दिस इज माई फ्रॉक। यहाँ पर फ्रॉक और बुक का फोटो दिया गया है, दिस इज माई बुक को बुक से मिलाना है और दिस इज माई फ्रॉक को फ्रॉक से मिलाना है। बच्चे यदि सीधे मिलाते हैं तो दोनों वाक्य यहाँ पर ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। इस प्रकार तीनों क्वेश्चन का ऑल ओवर करके हमें कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या नहीं कर पाता है वाले कॉलम में टिक करना है। अब देखते हैं हम आखिरी कॉलम, इसमें हमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं डब्ल्यू रिटर्न का 7, 10 और 14। तब हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन भी हमें पेज नंबर 230 पर ही मिलेगा बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में। यहाँ पर अरेंज द वर्ड एंड मेक सेंटेंस। यहाँ पर इन कुछ वाक्य के शब्द हमें उलट पुलट करके दिए गए हैं, इनको हमें सही जमाना है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा हेलो, आई एम मीना, और लास्ट में पॉइंट लगाना अनिवार्य। और यहाँ पर एच का, हेलो में एच कैपिटल रहेगा और मीना का एम भी कैपिटल रहेगा और आई भी यहाँ पर कैपिटल रहेगा। इस प्रकार तीन अक्षर हमारे यहाँ पर कैपिटल रहेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान देना है। तो हेलो आई एम मीना, यहाँ दूसरा रहेगा हेलो, यहाँ पर ये चिन्ह भी लगाना है, ये चिन्ह ऊपर नहीं दिया गया लेकिन हमें यहाँ पर भी लगा सकते हैं, हेलो आई एम रवि और फुल स्टॉप। दोनों वाक्यों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार इन वाक्यों को लिखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चे यहाँ पर अलग अलग शब्दों के बीच में कुछ जगह छोड़ते हैं या नहीं, दोनों वर्ड कहीं चिपका तो नहीं दिए हैं, इस बात पर भी हमें यहाँ पर गौर करना है। सातवां क्वेश्चन होने के बाद अब हम देखते हैं दसवां क्वेश्चन, जो भी हमें इसी पेज पर मिलेगा सात के बाद में दसवां। वर्ड वेब का उपयोग कर वाक्य बनाए व लिखे, जैसे यहाँ पर दिया गया है तो पहला वाक्य बनेगा दिस इज माई वॉच, जो हमें पेज नंबर 231 पर सबसे ऊपर लिखना है, यहाँ पर जगह दी गई है। और दूसरा दिया गया है दिस इज माई अम्ब्रेला, तो दूसरे के लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है, तो हम यहाँ दूसरा वाक्य आराम से लिख सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर 7, 10 के बाद 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमें अगले पेज पर मिलेगा, पेज नंबर 232। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाएं तथा लिखें। तो यहाँ पर हमें दोनों जगह दो लाइन भी दी गई है, इन लाइनों में हमें इन दोनों वाक्यों को कुछ सही प्रकार से लिखना है, जिनको बच्चे यदि इस प्रकार लिखते हैं जहाँ पर केवल पहला अक्षर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल लेटर हैं, पीछे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, बीच में गैप दी गई है, कहीं पर भी ये जुड़े हुए शब्द नहीं दिख रहे हैं, लंच बॉक्स यहाँ पर दूर या पास भी लिख सकते हैं, इस प्रकार वाक्यों दोनों वाक्यों पर गौर करके ही हम उस पर सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आवधिक आकलन सप्ताह 10, जिसमें यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 रिटर्न के यहाँ पर नहीं दिए गए थे, तो हम उनको भी यहाँ पर एलोस के आधार पर सेट करके और पुस्तक में उनको हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर अब पहले क्वेश्चन की संख्या 5 थी, ओरल के 2 और 4, रिटर्न के 6, 9 और 13, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही प्रश्न नंबर रिटर्न 4 हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तब यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी और 6 संख्याओं के ओवरऑल के आधार पर ही कर पाता है, सहयोग से कर पाता और नहीं कर पाता वाले किसी एक कॉलम में हमें राइट लगाना है। तब हम देखते हैं यहाँ पर
डब्ल्यू फोर रिटर्न क्वेश्चन फोर, तो रिटर्न क्वेश्चन फोर हमें मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर 229 पर। यहाँ दिया गया है राइट द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर, यहाँ पर सप्ताह के दिनों के नाम हमें यहाँ ऑर्डर से लिखना है। तो हम देख सकते हैं पेज नंबर 207 पर हमें ऑर्डर से यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 207 और यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ सेवन सभी ऑर्डर से यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं W5 कॉलम नंबर 2 में। तो यहाँ पर हमें पांचवा क्वेश्चन देखना है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर एक तस्वीर या पिक्चर दी गई है और इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न नीचे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं वेयर आर द बर्ड सिटिंग, पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चित्र को यदि हम गौर से देंगे तो पक्षी यहाँ पर पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर रहेगा सही आंसर ऑन द ट्री। पिक्चर के आधार पर अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में या फोटो में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक दो और तीन, और ये उनकी साइकिल से आए तो ये भी यहाँ पर एक दो तीन है, इसलिए यहाँ पर सिक्स थ्री और फोर में से थ्री बी वाला आंसर यहाँ पर सही रहेगा। इसी प्रकार व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ का एक गेम बना हुआ है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ए प्लेइंग, बी में यहाँ पर दिया गया था सिंगिंग और सी में यहाँ पर रनिंग, लेकिन राइट आंसर रहेगा ए प्लेइंग। अब अगला देखते हैं हम कॉलम नंबर 3 में जो एड किया है W1 रिटर्न का पहला क्वेश्चन। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर गेस द ऑड वन आउट, यहाँ पर हमें अनुमान लगाना है कि इन चारों में से कौन एक अलग है। यहाँ पर सामान्य रूप से देखें तो हमें पहले अक्षर को यदि देखें तो यहाँ पर डी, दूसरा भी डी और तीसरा भी डी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर सी आंसर सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर यह केवल वर्ड को देखकर बताना, यहाँ पर केवल अक्षरों को मैच करने का इसमें नहीं बताया गया है। तो कक्षा 3 के अनुसार यदि हम पेज नंबर 42 से 27 पर देखेंगे तब इस प्रश्न का हमें कुछ नियम पता चलेगा। तो हम देखते हैं पेज नंबर 27, तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 27 पर। अब यहाँ पर देखते हैं अपन वर्कशीट नंबर रेडनेस सप्ताह 25, यहाँ पर दिया गया है ब्लेंडेड साउंड FL GL PL इनसे शुरू होने वाले थे। यहाँ पर हमें SM स्माइली इसी प्रकार यहाँ पर कुछ साउंड दिए गए हैं और साथ में हम यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 27 के बाद हम 42 पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि करेक्ट कॉन्सनेंट ब्लेंड BR GL DR और CU, यहाँ पर दिया गया है कि इन चारों में यहाँ पर कौन सा ब्लेंड लगेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो B और R जो दोनों दिए गए हैं ये दोनों अक्षर कॉन्सनेंट हैं, इसी प्रकार ये दोनों भी कॉन्सनेंट यानी कि व्यंजन है। जो अंग्रेजी में पांच हमारे स्वर होते हैं AE IO U, यहाँ पर उनमें से किसी का भी प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये DR UM ड्रम यहाँ पर दिया गया है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर डी के बाद में स्वर ओ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर डी इसके बाद में स्वर ई का प्रयोग हुआ है, एफ और यहाँ पर स्वर ओ का प्रयोग हुआ है, लेकिन डी के बाद में यह स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर डी वाला आंसर सही रहेगा। क्योंकि यहाँ जो पहले दो अक्षर हैं वह दोनों व्यंजन है, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट ब्लेंड से बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ड्रम। क्वेश्चन 1 के बाद हम कॉलम नंबर 4 में देखते हैं W2 क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर दिया गया है मैच द इमेज विथ एक्शन वर्ड, यहाँ पर हमें इमेज देखना है और उनके एक्शन वर्ड सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला देखना है हमें स्विम, तो यहाँ स्विम कर रहा है इसलिए स्विम से हमें मिलाना है स्विम है तैरना। दूसरा यहाँ पर सो रहा है तो यहाँ पर स्लिप, और तीसरा यहाँ पर पानी पी रहा है इसलिए यहाँ पर ड्रिंक आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कॉलम नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है इसको हमें यहाँ पर सही तरह से लिखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 दो वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य कुछ इस प्रकार रहेगा
जिसको इस लाइन में लिखना है वह हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखेंगे, दिस इज ए रेड एप्पल, जो कि यहाँ पर कुछ अलग तरह से दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ बॉय लाइक्स द आइसक्रीम को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, द बॉय लाइक्स आइसक्रीम, और हमें पॉइंट भी लगाना है। पूरे वाक्य में हमें केवल एक ही कैपिटल अक्षर का प्रयोग यहाँ पर टी में किया गया है। इस प्रकार सप्ताह 10 की आवधिक आकलन में हम इन पांच सुधारों को इन पांचों कॉलम में करके और बड़ी ही आसानी से पेज नंबर 279 पर इस ट्रैकर आवधिक आकलन की पूर्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।